अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊंगा नेटफ्लिक्स को फ्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मेंबरशिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। आपने ना सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जाते हैं हम कुकिंग ओके। ये देखें, दो तरीके हैं पेड मेंबर्स, पेड कोई भी पेड और प्रीमियम टूल्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आप। मैं नेटफ्लिक्स करके आपको दिखाऊंगा। आपने सबसे पहले क्रोम, किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ये देखें, क्रोम पे लिखना है कुकी एडिटर, आप देख सकते हैं ये कुकी एडिटर, कुकी एडिटर क्रोम वेब एक्सटेंशन, इस तरह आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह मैं आपको अगला स्टेप बताता चलूँ। सबसे पहले आपने फिर नेटफ्लिक्स सर्च करना है, उसी क्रोम ब्राउज़र पे नेटफ्लिक्स सर्च करना है आपने। कुकी ऐड करने के बाद, कुकी ऐड करने के बाद आपने जो यहाँ पे कुकी पहले होगी आपने उसको डिलीट ऑल कर देना। डिलीट ऑल करने के बाद मैं आपको कुछ एक फ़ाइल दूंगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद या इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है, वो फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास पहले ही अकाउंट है तो उसको लॉगआउट कर दें, फिर एक या दो मिनट बाद दोबारा रिफ्रेश करें और लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे डायरेक्ट आपको फिर अकाउंट के पास ले जाएगा, आपको डायरेक्ट मूवीज मतलब डायरेक्ट अकाउंट ओपन होगा। इस तरह आप ये देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले ये फाइल है एक, इसको आपने कॉपी कर दें सबसे पहले, कॉपी कर लिए, क्रोम पे जाएं। जिस तरह तो ये तो मैंने पहले ऐड की हुई थी। अब ऐड करने का तरीका कार क्या है आपको मैं ये बताता चलूँ। इस तरह ये रिमूव करते हैं, हम आपको बताने के लिए मैंने रिमूव किया। आपने सर्च करेंगे एक्सटेंशन, ये पहली आ गई है। क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन कुकी के कुकी एडिटर एडिटर सर्च कर लिया, कुकी एडिटर देखिए पहले ही है। इसको इस तरह ऐड क्रोम करना है, ऐड क्रोम पे ऐड एक्सटेंशन, जिस तरह ऐड एक्सटेंशन की है ये देखें यहाँ पे ऐड हो गई है। यहाँ पिन कर देते हैं इसको, फिर सर्च करें नेटफ्लिक्स, मैंने ये पहले किया हुआ है। नेटफ्लिक्स करने के बाद आपने इसको इस तरह ओपन करना है, जो पहले डिलीट की हो इस तरह डिलीट कर देनी है। देखो पहले बनी हुई थी कुकीज़, मैंने डिलीट कर दी है। इंपोर्ट करें फाइल को, इंपोर्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देना है Ctrl V, ये पेस्ट हो गया। इंपोर्ट करें, बस इतना सा काम है आपका। इसको 2 से 3 बार आपने लॉगिन रिफ्रेश करना है, बार बार रिफ्रेश करेंगे अगर 2 से 3 बार तो आपका खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा। साइन इन करना है, साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपने ईमेल लिखना है अपना, कोई भी ईमेल लिख देना अपना, बल्कि अपना वो ईमेल लिखना है आपने जो पहले लॉगिन ही हुआ हो, जिसको कोई 1 साल हो चुका हो लॉगिन हुए हो, मतलब 1 साल से जो आपका मेल बनी हुई है वो लगानी है आपने। फ्रेश मेल या टेम्प मेल नहीं चलनी, मेल लगानी है, पासवर्ड लगा के साइन इन कर देना है, बस इतनी सी बात है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लाजमी।